हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है ट्यूसडे एंड जिस मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था, दादी का हाथ टूटा है, मतलब बैंडेज वगैरह तो लगाया था हम लोगों ने, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने नहीं, डॉक्टर ने ही लगाया था, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं। फिर अभी दादी का सर्जरी होने वाला है, एक माइनर सा सर्जरी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेके दादी को हॉस्पिटल। मम्मी भी रेडी हो रही है, बस हम लोग निकलेंगे। दादी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लग रहा, बट माइनर सा सर्जरी है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम लोगों ने पूछा, बट कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला छोटा सा सर्जरी है, वो तो करना ही पड़ेगा, इट्स नेसेसरी, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो बस वही करवाने के लिए अभी जा रहे हैं। हम जाएंगे ना, नहीं श्योर नहीं है, बट मम्मी जा रही है, वो कन्फर्म है, तो चलिए चलते हैं। और अगर गए तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी या फिर देखते हैं। बट दादी के लिए सैड फील हो रहा है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो पैनिक भी हो रही है, बिकॉज वो लोग स्क्रू वगैरह कुछ लगाएंगे स्टील का, तो इट्स पेनफुल यार, बट कुछ नहीं कर सकते। हाँ तन्नु, जीजू तो नहीं है? ओके, मुझे अभी को भी कॉल करके बुलाना, बिकॉज वही लेके जाने वाला है ना। तो बस हम लोग जा रहे हैं दादी को लेके। दादी थोड़ा सा डर रही है, डरने का नहीं दादी, हम जा रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं। इधर मम्मी भी है, बस चलिए चलते हैं। हर हर महादेव दादी, भगवान का नाम लीजिए, टेंशन की। दादी डर रही है, डरिए नहीं दादी, कुछ नहीं होगा, छोटा सा तो है, छोटा सा तो बस है। तो बस चलिए अब चलते हैं और फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे, डरिए मत दादी। सो उधर है दादी और मम्मी। एक्चुअली दादी का भी सारा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, तो बस अब रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होगा। और अभी इतना सारा आया है सर्जरी का सारा सामान दादी के लिए। दादी अभी जा रही है और इधर अभी बैठा है, आप देख सकते हैं उदास चंद। हेलो मुटका, क्या हुआ? जिंदगी इंतहाल हो गया, हो गया। तो चलो अब देखते हैं अंदर जाके। सो ये सारा सामान लेके भी जाना है। और हाँ, मैंने तो बताना ही भूल गया, हम लोग आए कहाँ पे। एक्चुअली हम लोग आए हैं कुंडा, डॉक्टर अंजय परवीन ऑर्थोपेडिक, यहाँ पे, ये कुंडा में है, यहाँ पे सर्जरी वगैरह हम लोग कराने के लिए आए हैं। और अभी बस वेट कर रहे हैं दादी का, बिकॉज अभी सर्जरी होने में आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर दादी आएगी, स्लाइन वगैरह करेंगे, तो ये वो लोग डिस्चार्ज करेंगे, मतलब आई थिंक 10 बज जाएगा शायद, देखते हैं कितना टाइम तक होता नहीं होता है, तब तक हम लोग ऐसे ही इधर उधर करें, बिकॉज ओटी में है दादी, तो एक बार हो जाएगा फिर हम लोग जाएंगे अंदर देखने के लिए, अभी तो नॉट अलाउड है ना, आप लोगों को भी पता होगा वो। तो बस अभी हम लोग घूम रहे हैं, क्या कर सकते हैं, स्टिल वेटिंग, बिकॉज अभी तक हुआ नहीं, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, बट अभी तक हुआ नहीं है, देखते हैं और कितना देर तक वेट करना पड़ेगा। मम्मी लोग गई है अभी ऊपर, मैं तो बस यहाँ पे बैठी हूँ, मैं और अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे, बाहर में बैठे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी लोग भी अलाउड नहीं है ना अंदर, इसलिए हम लोग बस बाहर में ही बैठे हैं, वेटिंग फॉर दादी टू कम आउट। तो फाइनली सर्जरी हो चुका है और दादी अभी ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह दिया था, बट अभी ठीक है दादी, बस एक इंजेक्शन देगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। कार भी आ चुका है अपना, बस आई थिंक 10-15 मिनट्स में हम लोग और यहाँ से निकल जाएंगे। सो फाइनली आ चुके हैं घर पे और एक्चुअली बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है, बिकॉज यू नो वहाँ पे बहुत देर तक ऑब्वियसली बैठना ही पड़ता है हॉस्पिटल में, तो बैठे थे तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी फील हो रहा है। और मम्मी तो आने के बाद पूरा नहाए हुआ, बिकॉज हॉस्पिटल से आने के बाद तो होता ही है, और बेचारी अभी तक भी काम कर रही है, दादी को यू नो ड्रेस वगैरह चेंज करके दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली दादी खुद से तो कुछ कर नहीं पा रही है अभी, तो सारा चीज़ मम्मी करके दे रही है। अभी डिनर विनर करेगी, फिर दादी सो जाएगी, यहाँ पे ही सोएगी, यहाँ पे एक बेड हम लोगों को लगाना पड़ेगा, बिकॉज एसी वगैरह है ना, लेट्स सी, नहीं तो दादी बोल रही है हॉल में सोएगी, जहाँ भी उनका मन होगा वहाँ पे सो जाएगी दादी। और फिर मैं आपको बाद में ही मिलाऊंगी, बिकॉज अभी दादी को बोलना मना है, मतलब ज़्यादा बोलने से वो लोग अभी पानी वानी भी नहीं पिए ना, वोमिटिंग वगैरह हो सकता है, तो इसलिए मैं उनको बात नहीं करवा सकती हूँ ज़्यादा। और यस, आज ही उन लोगों ने डिस्चार्ज दे दिया, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन है, बट ऑब्वियसली सर्जरी सर्जरी, तो उसमें यू नो कट करके स्क्रू वगैरह बिठाना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है ऑब्वियसली, तो इसलिए बोला है डॉक्टर ने, स्ट्रिक्टली मना किया, अभी बात वगैरह नहीं करना है, यू नो ज़्यादा पानी वगैरह नहीं पीना, खाना का आई थिंक लिक्विड खाना है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। तो चलिए अभी मैं सो जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में।